हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली इस बार 24 अक्टूबर को है और दिवाली को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि धनतेरस दो दिन की है, भाई दूज और गोवर्धन पूजा भी एक ही दिन है। इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ आसमा शर्मा मैम है, जिसकी जाने मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो बताएंगी आपको कि किस तरह से इस दिन आप पूजा करें विधि विधान के साथ तो आपके भी घर में लक्ष्मी जी का जो आगमन है वो होगा। मैम, धनतेरस दो दिन की है, भाई दूज और गोवर्धन पूजा को एक साथ बताया जा रहा है, लोगों में डाउट्स है, क्या है वो डाउट्स? देखिए क्या है कि 22 जो धनतेरस होती है वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है प्रदोष काल में। तो 22 अक्टूबर की शाम से 6 बजे से आपका वो प्रदोष काल त्रयोदशी लग जाएगी, तो धनतेरस 22 तारीख की शाम से शुरू हो जाएगी। पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो वृषभ लग्न में स्थिर काल में होना चाहिए, तो वो पूजा है 6:40 से 8:32 तक रहेगा वो पूजा का मुहूर्त, लेकिन वो 23 तारीख को भी 6 बजे तक है, तो दो दिन धनतेरस मना सकते हैं। तो पूजा जो है, जैसे नए बर्तन खरीदारी करते हैं, जो धनतेरस की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, वो आप 22 अक्टूबर की शाम से करेंगे, 23 को आप और खरीदारी अपनी चीज़ें लेते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। और दिवाली की पूजा को लेकर भी एक डाउट है, गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक साथ है जो कि जी मैं वही कह रही हूँ सिस्टम से, जैसे 22 और 23 का 23 तारीख की शाम के 6 बजे के बाद से फिर वो छोटी दिवाली जिसे नरक चौदस बोलते हैं, नरक चतुर्दशी, वो लग जाएगी। नरक चतुर्दशी जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया था, उस उपलक्ष में मनाई जाती है। तो उस दिन दीपक जलाने का महत्व है, आप अपने पूजा स्थल पर जलाते हैं, जो आपके घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे एक दीपक जलाएं, और जो घर की नाली शौचालय और दक्षिण दिशा में भी दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, लेकिन जो 24 अक्टूबर होगी, 24 अक्टूबर को दिवाली का ही बड़ी दिवाली, क्योंकि अमावस्या 24 अक्टूबर की है, तो शाम को जो पूजा का, जो घर की पूजा का मुहूर्त होगा वो शाम के 6:36 से शुरू हो जाएगा और 8:32 तक रहेगा। लेकिन जो प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे घर में हम रात को पूजा करेंगे, लेकिन जो प्रतिष्ठान है, व्यापार है, वो लोग मॉर्निंग में यानी कि 11:19 से 12:05 तक अपना पूजा वगैरह कर सकते हैं। दो दशक के बाद एक ऐसा शुभ मुहूर्त बन रहा है, बताया कि 1848 में एक ऐसा मुहूर्त बना था, 8 नवंबर, क्या है वो? जी 8 नवंबर 1848 में, दो सदी पहले, क्योंकि इस समय मकर राशि में अपनी ही राशि में शनि का होना और बृहस्पति का मीन राशि में होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। दोनों बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं और अपनी अपनी राशि में है, तो एक शुभ संकेत है, मतलब लोगों के लिए एक गुड न्यूज का है, क्योंकि ये सारी ही राशियों पे अपनी राशि में दो बड़े ग्रहों का होना एक बहुत अच्छा संयोग है, और ये दो सदी बाद ऐसा पड़ रहा है। ऐसे में खरीदारी करना, व्यापार की शुरुआत करना, मतलब माहौल में एक रौनक है, मार्केट में भी काफी एक रौनक रहेगी। उस बीच मतलब जो इतने टाइम से कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डगमगा गई थी, लेकिन ये कुछ टाइम से, जो अप्रैल से ही ये लगा है बृहस्पति मीन राशि का, तो अब इस वजह से पिछले एक साल से चीजें लाइन अप हो रही है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, तो लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा बदलाव इन्हीं ग्रहों की वजह से आ रहा है। मैम, एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसा करें या क्या ऐसा ना करें, किन बातों का ध्यान रखें दिवाली पे, क्योंकि सबकी कामना रहती है कि भाई सबके घर में लक्ष्मी माँ आए, क्या ऐसे छोटे छोटे वो बातें हैं जिनका वो दिवाली पूजन में बातों का ध्यान रखें जिससे उनकी जो दिवाली है और ज्यादा हैप्पी हो? जी देखिए, वैसे तो ये एक ऐसा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जो राशियों के हिसाब से और लग्न के हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन दिवाली पे विशेष तौर से जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, क्योंकि विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की मतलब ये कृपा होनी चाहिए, तो हल्दी की गांठ अगर हम पूजा में रखते हैं और उस पूजा को रात भर रखी रहे, और उस वाली हल्दी की गांठ को अगर फिर हम अपने लॉकर में या मंदिर में कहीं रखते हैं तो हमारे लिए शुभ होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है, जिनका बृहस्पत नीच का है वो हल्दी की गांठ ना रखें, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी लक्ष्मी सफाई, साफ सफाई हम लोग दिवाली पे करते ही हैं। पूजा अपने हर कमरे में एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, आप हर कमरे में एक सैटरडे की नाइट को एक नींबू रखिएगा। नींबू एक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करने का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो सैटरडे की रात को आप रखिएगा 4-5 दिन यानी कि गोवर्धन तक वो नींबू रखे रहें, लेकिन उन्हें हाथ से टच मत करिएगा। उसके बाद कागज से या कपड़े से पकड़ के उसको बाहर फेंक दीजिएगा, जिससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी, तो वो पॉजिटिव
डेकोरेटिव और वास्तु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो इस दिवाली अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी आपके घर आएंगी और आपकी जो परिवार की घर की सदस्यों की जो सुख समृद्धि है वो हमेशा यूं ही बरकरार रहेगी। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।